अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे बहुत ज्यादा खैरियत से। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस चीज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो आते हैं अडियोनी के जो हेडफोन्स, आप सो कह सकते हैं ये के नाम से यहाँ पर ये जो हेडफोन्स है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों हेडफोन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या सी वजह है कि मैंने इन हेडफोन्स की जो अनबॉक्सिंग है वो की, इसकी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप ये वाले हेडफोन्स बाय करें। क्योंकि दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर एक साल की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है, जो आपका पूरा पैसा सेव कर देती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे महंगे हेडफोन्स हैं, लेकिन उनकी सिर्फ चेक वारंटी होती है। आप शॉप पर चेक करते हैं और घर लाते हैं, वो उनकी बैटरी का इशू निकल सकता है, उसकी कनेक्टिविटी का इशू निकल सकता है और काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पर निकल सकते हैं। लेकिन ऑडियोनी को मैं पसंद भी करता हूँ कि ये अपने तमाम प्रोडक्ट्स के साथ जो है वारंटी दे रहा है, वो भी एक साल की। ये बात तो कर दूँ, लोगों का ज़्यादा प्राइस की टेंशन होती है। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2800-3000 रुपये तक के आसपास है। बार्गेनिंग करके अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 2500 तक में भी ये मिल सकते हैं। दोस्तों आजकल जो बहुत ही हल्के से हेडफोन्स भी हैं ब्लूटूथ वाले, तकरीबन 1200-1300 रुपए के हो चुके हैं, जिनकी क्वालिटी भी नहीं है, उनकी बैटरी टाइमिंग भी नहीं है और उनकी कोई वारंटी भी नहीं है कि वो किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह की सूरत में यार मैं अडियोनिक को ज़रूर कहूँगा कि आप इसको बाय करें। लेकिन सबसे पहले जब इसकी अनबॉक्सिंग है वो हम कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये रहे अपने जो अडियोनिक के B88 हेडफोन्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो रैप है इसको हम उतार देते हैं। तो दोस्तों इसको जो है हम यहाँ पर खोल लेते हैं। और ये रहे अपने जो फोल्डिंग हेडफोन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इनको साइड पे रखते हैं और बॉक्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ केबल्स देखने को मिलती हैं। और सबसे यार इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए ये वीडियो बन रही है, जिसके लिए मैं इसको जोर दे रहा हूँ कि आप ये हेडफोन बाय करें, अडियोनी की ऑफिशियल ई वारंटी है। बेसिकली ये कार्ड है, यहाँ पर आप देखते हैं ये ई वारंटी है, तो इसको हम अंदर रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो सामान है वो निकल चुका है और अपने जो हेडफोन्स हैं इनको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। और यहाँ पर ये एडजस्टेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेदर देखने को मिलता है। और नीचे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह, TFT कार्ड, माइक्रो USB, ऑक्स की ऑप्शन। और बात करूँ अगर केबल्स की तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑक्स केबल, इनको मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक छोटी सी USB 2 माइक्रो USB केबल और यहाँ पर एक ऑक्स केबल देखने को मिली है। ऑक्स की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सामान निकला है, बाकी जो कुछ बातें हैं वो हम रिव्यू में करते हैं। बाकी दोस्तों आपने जिसकी अनबॉक्सिंग है वो तो यहाँ पर देख ही लिया, बात कर लेते हैं इसके कुछ दो तीन रिव्यूज़ के बारे में, इसके बारे में दो तीन रिव्यूज़ दे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये फोल्डेबल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फोल्ड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा साइज़ हो जाता है, आप इसको पॉकेट वगैरह में भी रख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ काफ़ी कम हेडफोन्स में देखने को मिलती है, काफ़ी कम नहीं, मतलब कि जो सस्ते हेडफोन्स होते हैं उनमें ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती कि आप इनको फोल्ड कर देते हैं। दोस्तों अगर दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिलती है, जो भी तकरीबन मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स में होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑक्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। अगर आपकी हेडफोन्स की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप ऑक्स लगा के अपनी गेमिंग या फिर जो गाने वगैरह जो भी आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख रहे हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। बैटरी टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन 6 घंटे का बैटरी टाइमिंग मिल जाता है और स्टैंड बाई टाइम तकरीबन 21 दिन का स्टैंड बाई टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर फोम की बात करूँ तो वो भी मतलब कि नरम है, कानों में ज़्यादा दर्द नहीं करते और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, तो कानों में जो दबाव है वो भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। एक चीज़ जो हेडफोन्स को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है, अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो लेदर है वो देखने को मिलता है, जिसके लेदर के साइड पे जो स्टिचिंग हुई हुई है वो हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक दे रहा है। और नीचे की अगर बात करूँ तो नीचे भी वेलवेट की जैसा कुछ कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। तो दोस्तों इन हेडफोन्स को बनाने की वजह एक यही है, क्योंकि थोड़े कॉस्टली तो है, मतलब 2500-3000 रुपये के ये हेडफोन है, लेकिन एक वजह कि यार इनके साथ आपको एक साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। आप एक साल तक इजी हो सकते हैं, किसी किस्म का आपको मसला नहीं देखने को मिलता। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ही काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसी वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी यहाँ पर ऑडियोनिक ने ज़्यादा रखी हुई है। आपको इसी तरह के हेडफोन्स तकरीबन 2000 रुपये में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनके साथ आपको किसी भी किस्म की वारंटी देखने को नहीं मिलती। तो आपको कैसे लगे ये हेडफोन्स ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक साल की वारंटी है, और अगर आपने वीडियो देखनी हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि आप ऑडियोनिक की जो वारंटी है वो किस तरह क्लेम कर सकते हैं। वक्त तक मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वक्त तक देखिए, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।